फ्रेंड्स, मैं अच्छी हूँ और उम्मीद है कि आप लोग भी अच्छे ही होंगे। और आप लोग देख रहे हैं, आज मैं हूँ बेलगढ़ बाजार में और ये झारखंड के सिमडेगा जिला में पड़ता है और ये लगभग सिमडेगा जिला मुख्यालय से 8 से 10 किलोमीटर की दूरी पर है। और मेरे पीछे देखिए, ये पूरा एरिया जो है वो बेलगढ़ बाजार का है और ये बाजार जो है आप लोग देख सकते हैं कि एक जगह खड़े होकर के आप लोग पूरा बाजार देख सकते हैं। तो चलिए चलते हैं बाजार को एक्सप्लोर करने के लिए। और जैसे कि मैं आप लोगों को बताई, ये बाज़ार बहुत ज़्यादा बड़ा नहीं है और इस बाज़ार में अगल बगल के गांव के ही लोग आते हैं, बहुत दूर दराज से नहीं आते हैं लोग। और जो भी उनके बागानों में उगता है, उनके खेतों में जो भी वो लोग उगाते हैं, उसी को यहाँ बेचने के लिए लाते हैं और ख़रीदारी करने के लिए आते हैं लोग। और मेरे पीछे देखिए, बहुत सारे छोटे छोटे दुकान हैं जिसमें सभी तरह की चीज़ें यहाँ पर मिल जाती हैं। और ये बाज़ार जो है चारों तरफ जंगल से घिरा हुआ है। देखिए, चारों तरफ यहाँ जंगल ही जंगल है, लेकिन फिर भी यहाँ हर चीज़ मिल जाते हैं। और यहाँ पर देखिए, लोग अपने अपने लिए एक त्रिपाल से जो है वो मचान बनाए हुए हैं, जिसको हमारे यहाँ छपरी बोलते हैं। और यहाँ जाड़ा गर्मी बरसात में ये बचने के लिए होता है। देखिए, काफ़ी खूबसूरत मार्केट लग रहा है, पूरा कलरफुल, बड़ा नहीं है। और यहाँ पर जो भी चीज़ें मिलती हैं, सारी चीज़ नेचुरल मिलती हैं। देखिए, इधर टमाटर और भिंडी वगैरह हैं। और यहाँ के लोग जो हैं, सारे लोग नेचर से जुड़े हुए होते हैं और काफ़ी खूबसूरत बाज़ार है। जब यहाँ आप लोग आएंगे तो आप लोगों को भी बहुत अच्छा लगेगा यहाँ घूमने में। इन बाज़ारों में आप हमारे यहाँ की संस्कृति, खान पान और रहन सहन के बारे में और यहाँ के तौर तरीके जो होते हैं उनके बारे में आसानी से जान सकते हैं। और इन बाज़ारों का लोगों को बेसब्री से इंतज़ार रहता है और इन बाज़ारों में सारी रोज़मर्रा की जो चीज़ें होती हैं वो मिल जाती हैं। और इधर देखिए, अजीत जो है वो साबुन खरीद रहा है। और ये वाला जो दुकान आप लोग देख रहे हैं, ये वाला दुकान है ये गोसलर भैया का और ये उनकी बेटी है। और ये लोग हमारा वीडियो देखते हैं और हमारे सब्सक्राइबर हैं, तो ये जानकर मुझको बहुत अच्छा लगता है। ये वाला दुकान में देखिए, भैया के यहाँ दाल वगैरह, तेल, मसाले और मिक्सचर बिस्किट वगैरह हैं, ये सब ये बेचते हैं। और देखिए, बच्चे भी अपने मम्मी पापा के साथ में बाज़ार आते हैं। और यहाँ पर देखिए, साग बिक रहा है, इधर बैंगन बिक रहा है और इधर में बिक रहा है केला, मूली, ये सब है। और आप लोगों को ये चीज़, एक चीज़ यहाँ पर कॉमन दिख रहा होगा कि यहाँ पर तराजू का यूज़ नहीं किया जाता है। देखिए, यहाँ पर इस तरह से खेजा बना करके अंदाज से रखा जाता है, ऐसा ग्रुप ग्रुप करके जो रखा जाता है उसको हमारे यहाँ खेजा बोलते हैं और इसी तरह से बेचा जाता है। और यहाँ आप सामने जो देख रहे हैं, ये भी हमारी जान पहचान की दीदी हैं। और ये देखिए, यहाँ पर ये सब्जी बेच रही हैं, टमाटर, परवल, मिर्चा, अदरक वगैरह हैं। और यहाँ पर देखिए, यहाँ पर करेली, जामुन, कुकड़ी और ये जो साग है इसको हमारे यहाँ सिलियारी साग बोलते हैं और ये खाने में काफ़ी टेस्टी होता है। और इस बाज़ार में देखिए, तरह तरह की सब्जियाँ मिलती हैं। यहाँ पर बैंगन, मूली, अमरूद और कुछ साग वगैरह भी हैं। और इधर मेरे, और यहाँ पर देखिए एक बाबू है। और यहाँ पर देखिए, इस तरह के छोटे छोटे दुकान भी होते हैं। और ये जो है दुकान, ये कपड़े का दुकान है, इस तरह के कपड़े यहाँ पर मिलते हैं। सभी लोग देखिए यहाँ खरीद रहे हैं। मैं आप लोगों को दिखाई कि हमारे झारखंड के बाज़ारों में क्या क्या चीज़ें मिलती हैं, तो अब मैं आप लोगों को ले चलती हूँ हमारे झारखंड के बाज़ार के अहम हिस्से की ओर। और यह बाज़ार संडे के दिन लगता है और संडे मतलब आप लोग समझ ही रहे हैं कि लोग यहाँ पर इंजॉय करने के लिए आते हैं। और यहाँ देखिए, हड़िया का बाज़ार सजा हुआ है। वैसे तो ट्राइबल बाज़ार में हड़िया की दुकान सस्ती है और ट्राइबल कल्चर में इसका विशेष महत्व भी है। बहुत सारे त्यौहार, शादी विवाह में इसका प्रयोग किया जाता है, मगर लोग इसे कब, कितना, कैसे और क्यों लेना है ये भूल जाते हैं। बस यही कमियां हैं। और यहाँ देखिए, यहाँ पर चिकन की सफाई हो रही है और इधर में बंडा बिक रहा है। बंडा यानी कि हमारे यहाँ पोर्क को बंडा बोला जाता है। और ये जो है हमारे झारखंड के बाज़ारों में आप लोगों को बहुत इजीली मिल जाएंगे। और इधर देखिए, सखुआ का पत्ता का पतरी बनाया हुआ है और उसमें 1 केजी, आधा केजी ऐसा करके इसको रखा गया है। लोग आते हैं और इसे ख़रीदते हैं। और उधर देखिए, उधर कुछ धुआं धुआं सा दिखाई दे रहा है, तो मैं आप लोगों को उधर भी ले चलती हूँ। और इधर देखिए, इधर बंडा को पूरे ट्रेडिशनल वे में पकाया जा रहा है। इसमें सखुआ का पत्ता लिया जाता है और उसमें बंडा को रखने के बाद में उसमें मसालों को अच्छी तरह से मिलाया जाता है और टीन जो है उसमें अच्छी तरह से इसको पैक किया जाता है और आग में पकाया जाता है। और ये पूरे ट्रेडिशनल वे में पकता है और लोग जो है इसको चखना के लिए यूज़ करते हैं। चलिए अब आगे बढ़ते हैं। इस बाज़ार में क्योंकि कुछ खास मिठाइयाँ भी मिल जाती हैं, तो बच्चे भी यहाँ आते हैं और मिठाइयाँ खाते हैं और खूब इंजॉय करते हैं।
आप चाहेंगे तो इस बाज़ार को बस 10 मिनट में ही घूम सकते हैं, लेकिन अगर आप लोग इंजॉय करना चाहते हैं तो इस बाज़ार में आप लोगों को घंटों लग जाएंगे। कुछ दूर हम लोग आगे जाएंगे तो मैडम, हाँ बोलिए। हाँ यहाँ पर देखिए भैया लोग चुप रहे जा रहे हैं ना। और यहाँ पर देखिए बेहद ही खास तरीके का मिठाई बन रहा है, इसको हमारे यहाँ गुलगुला बोलते हैं, और ये आटे और गुड़ का बनता है, और झारखंड के प्रायः हर बाज़ार में आप लोगों को ये मिल जाएगा, और लोग जो है इसको बड़े शौक से खाते हैं। जैसे कि मैं आप लोगों को बतलाई थी पिछले वीडियो में कि चाउमीन और मंचूरियन जो है वो जंगल के बीच में लगने वाले दूर दराज के बाज़ारों तक भी पहुँच गया है, तो आप लोग भी यहाँ पर आने के बाद में चाउमीन का लुत्फ़ उठा सकते हैं। अभी हम लोग पूरा बाज़ार घूम लिए हैं और अभी हम लोग घर के लिए निकलने वाले हैं। तो आज का वीडियो आप लोगों को कैसा लगा आप लोग कमेंट्स करके ज़रूर बताइएगा, और अगर आप लोगों को आज का वीडियो पसंद आता है तो प्लीज़ वीडियो को लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, और अगर आप मेरे चैनल पर नए आए हैं तो प्लीज़ इसे सब्सक्राइब कीजिए। अब हम मिलते हैं नए वीडियो में नए टॉपिक के साथ, तब तक के लिए बाय।